नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बने रहे। सावन माह के अचूक उपाय जो आपकी हर समस्या का करेंगे समाधान। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियों से मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना भगवान शिव जी की पूजा आराधना को समर्पित होता है। इस माह लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के अलावा लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बेहद ही आसान होता है और अगर आप शिव जी के प्रिय सावन मास और विशेषकर सावन सोमवार के दिन इन उपायों को करेंगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो दोस्तों शिव जी प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याएं दूर करेंगे। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपकी समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं तो आपको आपकी मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन होगा। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको बराबर लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो इन उपायों को करने से आपको आपके व्यापार में धन का लाभ होगा। अगर आपके घर में बराबर गृह कलेश बना रहता है, पैसों को लेकर के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इन उपायों को करें जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपके घर में धन आने के चारों तरफ से रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपके घर में जो गृह कलेश बना रहता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से बीमार है, बीमारी की वजह से आप परेशान हो चुके हैं, दवाई काम नहीं कर रहा है, तो आप इन उपायों को करें, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है जो आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, धन प्राप्ति का महा उपाय। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन घर पर अपने पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। उसके बाद आप एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करें। क्या है मंत्र, एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम। प्रत्येक मंत्र के साथ आपको बेलपत्र पारस शिवलिंग पर चढ़ाना है। बेलपत्र के तीनों दलों पर आप लाल चंदन से एम ह्रीम श्रीम लिखे। इसके बाद आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर जो पारस शिवलिंग की आपने स्थापना करी है उसके ऊपर आपको चढ़ाना है। अंतिम यानी कि 108वां जो बेलपत्र होगा शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद, इसको आप निकाल ले और उसे अपने पूजन स्थान पर रख कर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। इससे क्या होगा कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अचानक धन का लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन होगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। मतलब कि आपके घर में चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। जो धन प्राप्ति में बाधा आ रही थी वो बाधा दूर होगी और आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आप बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं तो इस उपाय को आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन एक बार जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, दूध में आपको काले तिल मिला करके भगवान शिव के मंदिर जाना है सोमवार के दिन। सावन में किसी भी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को। इसके बाद आपको दूध में जो काले तिल मिलाया है इससे भगवान शिव की अभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर, इसे चढ़ाना है। और आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का ही उपयोग करें। तांबे के बर्तन से आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में आपको दूध लेकर के कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। अभिषेक करते समय आपको ओम जुम सह इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। क्या है मंत्र, ओम जुम सह। इसके बाद आपको भगवान शिव से
रोग निवारण के लिए प्रार्थना करना है। भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही आपको आपके रोग से मुक्ति मिल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए, इसके लिए आपको भगवान शिव के ऊपर सुगंधित तेल से अभिषेक करना है। किसी भी सुगंधित तेल को ले लीजिए और सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के सुगंधित तेल से आप अभिषेक करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का महा उपाय, इसके लिए आपको क्या करना है देखिए। इस उपाय को करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको 21 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है और किसी भी सोमवार से, आपको सावन के किसी सोमवार से इस उपाय को शुरू करना है। 21 बेल पत्र लेना है आपको। 21 बेल पत्र लेने के बाद हर एक बेल पत्र पर आपको सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है और एक एक करके शिव मंदिर में आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाना है और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। फिर दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। ऐसा करके आपको 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक मुखी रुद्राक्ष अर्पण करना है। इस उपाय को आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। इस उपाय को अगर आप लगातार 21 दिनों तक कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। अगला उपाय है दोस्तों, हर तरह की परेशानी दूर करने के लिए, घर में अगर आपकी एक के बाद एक परेशानी बनी ही रहती है, घर में वास्तु दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से घर की परेशानी दूर नहीं हो पा रही है, तो आपको इसके लिए क्या करना है देखिए। आपको इसके लिए सावन के महीने में रोज सुबह उठने के बाद आपको अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद गुग्गल की धूप दे और पूरे घर में आपको गुग्गल की धूप देना है, इस बात का ध्यान रखना है। गोमूत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है किसी कारणवश तो आप गंगा जल के छिड़काव कर सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि गोमूत्र का छिड़काव करें, वैसे आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। अगला उपाय है दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महा उपाय, इसके लिए आपको क्या करना है। सावन के सोमवार के दिन आपको सोमवार का व्रत रखना है, शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पूजन करना है। उसके बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी सफेद चीज का दान करना है। आप किसी सफेद अन्न का दान कर सकते हैं, आप 1 kg 2 kg जितना आपके सामर्थ्य हो उतना आप चावल ले ले और उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 108 बार अर्पित करने के बाद जो चावल बचेगा आपके पास, इस चावल को आपको किसी को दान कर देना है, या आपको सफेद दूध ले लेना है, आप दूध का दान कर सकते हैं, सफेद दही का दान कर सकते हैं, सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं, किसी भी सफेद चीज का आपको सावन के सोमवार के दिन दान करना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होगी, जिसके बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो से कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिल गई होगी जिन उपायों को करके आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।